हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक दिग्गज शेयर एमटार की अगर मैं बात करूं तो आपको दो वीक पहले 19 मई को मैंने शेयर के रिलेटेड वीडियो बनाई थी और ये और बात करें यहाँ मतलब पर इन टेन से ट्वेल्व डेज में आपको अच्छे खासे रिटर्न इसने दे दिए थे और मैंने आपसे कहा भी था कि इसे अपनी रेडार पे रखना बाइंग करनी है ये तो यहाँ पर हमने वीडियो लगभग यहाँ

और तीन महीने भी नहीं लगेंगे टू बी वेरीफ्राइंग तीन महीने तो कहने के लिए तीन महीने से पहले ये शेयर आपको किस तरीके रफ्तार से भागता हुआ नजर आएगा ये आप खुद देख लेना आप खुद चश्मे दी होंगे इस इस चीज के तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और समझते हैं इसका कुछ फंडामेंटल्स एज वेल एज कंपनी से रिलेटेड देखिए ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा है इसका लिंक दे दूंगा तो यहाँ आप पर आपको फंडामेंटल पता चल जाएंगे बट अगर बात करें इसके अभी के टारगेट से रिलेटेड उससे रिलेटेड बातें करेंगे तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और नए लोगों को भी कनेक्ट करें ताकि उन्हें भी इस तरीके की नॉलेज मिलती रहे एज वेल एज अगर बात करें तो यहाँ बॉस ऑफ इंडियन बाजार हुआ करता था हमारे चैनल का नाम अब इन्वेस्ट फॉर हो गया तो जाके यहाँ पर देख लीजिएगा और कल की डेट में भी यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज आई है जाके देख लीजिएगा बोनस दिया है कंपनी ने उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी ऑफ हुज गेन यहाँ पर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं

ओके रुपए तक शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था उस लेवल के बाद से फिर गिरा फिर उसके बाद भागा दोबारा गिर रहा है और मुझे और इसने एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न जिसे कहते हैं ना बनाने जा रहा है जो कि अभी डिस्कस करेंगे बात करें डिलीवरी की तो 30 परसेंट के शेयर सत्तासी हजार शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए हैं जो स्मार्ट है ओके वो इस okay, तरीके का मूव ले रहे हैं और मैंने भी यहाँ पर बेच के फिर दोबारा एंट्री ले ली है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी डिविडेंट भी दे, देती हुई नजर आई है तीनों रुपए का रिजल्ट भी अभी आते हुए नजर आए हैं और यहाँ पर बात करें कोई भी शेयर प्लेस नहीं है फिफ्टी परसेंट के शेयर है इनके पास और इनके जो क्लाइंट है ना बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है इस चीज़ को याद रखिए इनका बिजनेस मॉडल आप खुद समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा इनके एक बार चाहिएगा इनकी वेबसाइट पे तो आपको पता चलेगा मतलब ये मैनुफैक् डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका ये कह सकते हैं डाइवर्सिफाइड बिजनेस है एडवांस मशीनिंग स्पेशल फेब्रिक असेंबली एंड टेस्टिंग ट्रीटमेंट मतलब ये कंपनी क्या नहीं करती आप एक बार जाइए इनकी वेबसाइट पे और देखिए और हमारे या फिर इस वीडियो को यहाँ पर देख लीजिएगा तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा जो कि आई बटन पे लिंक दे दूंगा मार्केट कैपिटल की बात करें तीन हजार एक सौ तीन मतलब स्मॉल कैप ही है ज्यादा नहीं है और डेट की बात करें केवल तीन परसेंट का डेट है ना कि बराबर प्लेजिंग की बात करें जीरो परसेंट की प्लेजिंग है और उन्नीस परसेंट के आर के साथ कंपनी काम कर रही है और मुझे लगता है कंपनी और तेज भागती हुई नजर आएगी बात करें यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स की तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिक्सटी मतलब मार्च में सिक्सटी करोड़ के रेवेन्यू थे इस बार सिक्सटी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है नेट प्रॉफिट की बात करें लगभग दोगुना प्रॉफिट हो गया है ओके तो हाईएस्ट है और नेट प्रॉफिट है एज वेल एज बात करें ईयरली बेस पे सेल की तो देखिए हाईएस्ट है सेल्स भी है 246 करोड़ की सेल्स से, है ओके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 83 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है चार करोड़ से सीधे एटी थ्री समझ रहे इस मतलब ट्वेंटी टाइम्स होता हुआ नजर आ रहा है विद इन वॉट विद इन टेन 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 ईयर्स अगर बात करें टेन टू इलेवन और नेट प्रॉफिट की बात करें माइनस टू से लेके छियालीस करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आ गया तो इस चीज को ये ध्यान में रखिए जब हाईएस्ट एवर चीजें दिखाई देती है ना तो कंपनी का ऊपर जाना ही होता है और अगर बात करें रिजर्व्स की तो रिजर्व्स यहाँ पर देखिए चार करोड़ के रिजर्व्स और 2020 में उनतीस करोड़ का लोन था आधा लोन कर दिया है बारह करोड़ का ही लोन रह गया है और यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट की कंपनी का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और फिक्स एसेट बढ़ रहा है मतलब कंपनी में कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी खर्च हो रहा है और जैसे जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर कंपनी खर्च करती है तो इसलिए ही करती है क्योंकि उन्हें पता है अपने कि आगे चल के किस तरीके के बिजनेस आने वाले हैं और किस तरीके से वो आगे ग्रो करने वाला है कैश इक्वलेंट की बात करें

यहाँ पर दिखा देते हैं, ओके यहां पर हमने शेयर खरीदा था और ये क्या बना रहा था उस टाइम ये हेड बनाता हुआ नजर आ रहा था मैंने ऑलरेडी कह दिया देखिए जब आप चार्ट पैटर्न को पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये हेड बनाता हुआ नजर आ रहा है और ये जब इस तरीके का कर्व आने लग जाता है तो ये हेड बनाने की तरफ जाता है और हेड क्यों बना रहा था तो वो चीज भी दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर देख ले तो देखिए यहाँ पर इसने एक बार पहले भी सपोर्ट लिया था फिर यहाँ पर नीचे आया फिर यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया तो यहाँ पर देखिए ये शोल्डर बनाया है इसने पहले अगर बात करें यहाँ पर से देखते हैं तो इसने एक यहाँ पर शोल्डर बनाया यहाँ पर रुका और फिर अगर इसके बाद बात करें तो देखिए शेयर नीचे आया ओके और यहाँ पर इसने बनाया हेड और ये फिर मुझे यहां से पता चल गया कि हेड बना रहा है तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली और इसने यहाँ तक हेड है बनाया और मुझे पता था कि हेड ये यहीं यही पर ही आके बनाएगा अगर बात करें यहाँ पर देखिए यहाँ पर ही रुका था तो लास्ट टाइम तो मैंने यहां पर सेल आउट कर दिया था अपने स्टॉक और मैंने आपको जो लास्ट वीडियो ये वाली बनाई थी तो इसमें बताया भी था कि ये शेयर यहाँ तक जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है फिर उसके बाद मैंने बेच दिया था फिर अब मैंने दोबारा एंट्री लिए क्योंकि यहाँ पर इसका जो ये कभी भी भाग सकता है और यहाँ पर इसका जो ये पूरा और यहाँ पर ये यह दोबारा दूसरा शोल्डर है ओके यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएगा शायद और शोल्डर बनाते हुए निक, निकलेगा ऊपर की तरफ और एक बार इसने शोल्डर बनाया ओके okay, तो इसके बाद ये इसका जो टारगेट नजर आ रहा है ना इसका टारगेट काफी अच्छा टारगेट यहाँ पर नजर आ रहा है अगर बात करते हैं हैं इसके बॉटम से उठा लेते इसे तो लगभग बाईस परसेंट के यहाँ पर इक्कीस परसेंट के यहाँ पर दे रखे रखिये और इसे हमने यहाँ पर इसके टॉप पे लगा दिए क्योंकि ये जब ये ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न जब ये बनते हैं ना इस तरीके से तो ये अपने टारगेट को अचीव करते ही करते हैं हमेशा याद रखिएगा और यहाँ पर अगर बात करें तो इसके जो टारगेट नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में तो ये शेयर अगले क्वार्टर तीन महीने बाद तो ये और कहीं होगा बट अभी शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ देखिए अभी अभी की डेट में बट अभी ये थोड़ा और नीचे शायद आ सकता है बट मैंने बाय डिप्स करना शुरू कर दिया क्योंकि कभी भी रिवर्स हो सकता है रिवर्स हो इससे पहले हम खरीद लेते हैं तो 26 परसेंट के रिटर्न तो यहाँ से और थोड़ा बहुत अगर नीचे आया तो शायद ये दोबारा नौ सौ तक तो नहीं बट मुझे नजर आ रहा है कि शायद साढ़े नौ सौ या फिर नौ सौ साठ रुपए तक ये आता हुआ दिखाई दे सकता है मतलब बीस तीस चालीस रुपए और गिर सकता है बट कोई इशू नहीं है जितना गिरेगा उतना उठाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर तीन महीने का मैंने वेट किया तो मुझे लगता है कि तीन महीने में जो ये इसका चार्ट पैटर्न है। ओके ये तो कंप्लीट होना ही होना है जो इसका टारगेट आ रहा है 1276 इसके बाद और ऊपर जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है और ये टारगेट मैं मैं सोच रहा हूँ कि ये ₹1500 तक ये शेयर जा सकता है बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियल है बाकी आपको कोई बैंक सेलिंग से रिलेटेड रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहां पर कोई भी पोजीशन लीजिएगा मुझे जो अच्छा लगा क्योंकि मैंने यहाँ पर पकड़ा था मुझे पता था हेड बना रहा है तो मैंने यहाँ पर लिया और मैंने यहाँ बेच भी दिया दोबारा आई आई एम एंट्री और अगर बात करें यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएगा मैं दोबारा करूंगा यहाँ पर और फिर ऊपर जाता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है बाकी आपकी खुद की स्टडी और आप फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेके यहाँ पर करिएगा कुछ भी पोजिशन लीजिएगा बाकी बैंक से लेंगे कोई रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बीट करें, सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस